तो लीजिए भाई, आ चुका अपना ब्रेकफास्ट, अपना हमारी लोकेशन देखने आए हम लोग साउथ की मूवी की। तो लीजिए भाई, हम लोग पहुंच चुके हैं टनल के दूसरी तरफ और हमारे साथ है सैम भाई। कैसे भाई? ये देखिए भाई साहब, पूरा एरिया पैक हो चुका है, फुल्ली स्नो भाई। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे जेसीबी है स्नो साइड करने के लिए। और क्या टेरेन लग रहा है यार, एक अलग ही लेवल का। देखिए फुल्ली स्नो और 3 से 4 फीट स्नो। अभी एक्टर के दोस्त होने का ये फायदा होता है, आप कहीं भी रह सकते हो। कैसे भाई? तो लीजिए भाई, एक बार फिर से उठ चुके, नया दिन नई सुबह नया एपिसोड और मिशन शूटिंग में एक बार फिर से स्वागत है। सुबह के 8 बज चुके हैं। आज का सीन है, आज हम लोग जाने वाले हैं लाहौल स्पीति वाली साइड, यानी कि अपने सिसु वाली साइड, रोहतांग वाली साइड, अटल टनल वाली साइड। अब किस लिए जाएंगे ये बताएंगे, और वहाँ पे ना 3 से 4 फीट स्नो पड़ी है, वो सारा सीन बताएंगे। अभी तैयार हो चुके, सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते, ऑर्डर करते ब्रेकफास्ट। चलिए कॉल करते 633 भाई, देखते सुबह सुबह उठे या नहीं उठे। नॉट रिस्पॉन्सिंग, कोई उठा नहीं रहा भाई। हेलो 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 हेलो, मुझे लग रहा है अभी कोई उठा ही नहीं है। 7:30 या 8 बजे एग्जैक्टली, 8 भी पता नहीं बजे कि नहीं, टाइम देखा नहीं मैंने, ऐसे ही तुक्का लगा दी। 7:30 या 8:30 हो चुके। अभी एक बार फिर कॉल करेंगे, उठते वेल एंड गुड, वरना कुछ और काम करेंगे, थोड़े से एडिटिंग करने को अपने को, थोड़े से बिल बुल बनाने को, थोड़े से मेल करने को, वो खत्म करेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट ऑर्डर करेंगे, फिर निकलेंगे सीधे सिसु वैली की तरफ और स्नो वैली की तरफ। तो लीजिए भाई, आ चुका अपना ब्रेकफास्ट, अपना लेमन हनी जिंजर टी, भाई लेमन भी ऊपर डाल के दिया है, बटर टोस्ट है, थोड़ी सी दही है और बहुत सारे परांठे। अरे बाप रे, हम लोग 2 लोग हैं, इतने पराठे पता नहीं खा पाएंगे या नहीं पाएंगे, चलो देखते हैं। फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद मॉल रोड मनाली कुछ काम है, मॉल रोड मनाली जाएंगे, उसके बाद निकलने वाले अटल टनल शायद से, जिम नहीं लेके जाने वाले, बताएंगे। भाई मैंने लॉन्ड्री में कपड़े दिए थे धोने के लिए, और देखिए भाई कितने सही लोग होते हैं, हर एक कपड़े में रूम नंबर 220, और ये देखिए पूरा स्टिकर लगा के रखा है ताकि कपड़े गायब ना हो। भाई दिल जीत लिया भाई ने, जो भी लॉन्ड्री वाला है ना भाई, लव यू भाई। तो जो जितने भी कपड़े दिए थे ना, सारे कपड़े। तो अभी अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है, अपना एक भाई आ रहा है जो शिमला से आए थे, अपने एक्टर मैंने बुला लिया है, यहाँ पे इनवाइट किया है, तो यहीं पे ब्रेकफास्ट करवा देंगे, उसके बाद निकलेंगे हम लोग। तो चलिए भाई, पहुँच चुके हैं हम लोग होटल के पास, और अपने जिमनी आ चुके हैं, दोनों जिमनी, एक जिमनी यहाँ पे एक जिमनी वहाँ पे। तो चलिए अभी सीधे निकलते, मिलते किसी से मिलना है यहाँ पे, और उसके बाद निकलते सीधे सिसु वाली साइड। तो देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं होटल के पास, इज द अपना होटल वुड्रॉक, सुंदर सा दूसरी जिमनी यहाँ पे लगी हुई है अपनी। तो चलिए सीधे चलते और मिलते हैं जिससे मिलना है। तो लीजिए भाई, हम लोग पहुंच चुके हैं टनल के दूसरी तरफ और हमारे साथ है सैम भाई। कैसे भाई? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए। बस एकदम मस्त, बहुत दिनों बाद मिले सैम भाई, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 फीट के आसपास स्नो पड़ी थी, तो पूरा पैक हो रखा था। तो अभी जाके आए हम लोग, ये देखिए अभी टनल के पास पहुंचे सिसु से आगे की तरफ, और देखिए फुल्ली स्नो से पैक हो रखा है, क्या बात भाई। ये देखिए भाई साहब, पूरा एरिया पैक हो चुका है, फुल्ली स्नो भाई। तो अभी पहुंच चुके हम लोग सिसु के पास, और यहाँ पे देखिए अच्छी खासी बर्फ है, लगभग 3 से 4 फुट, और पूरा एरिया पैक हो रखा है यहाँ पे देखिए। तो चलिए भाई, फर्स्टली करेंगे अपना लंच पलम दादा में, और उसके बाद निकलेंगे हम लोग आगे की तरफ। तो यहाँ पे देखिए छोटे छोटे जेसीबी है स्नो साइड करने के लिए, ये देखिए 1-2-3। तो हम लोगों ने लंच कर लिया है अपना, बस अभी जाएंगे आगे की तरफ, और टेम्परेचर बहुत डाउन हो चुका है, हाथ ऐसे बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं। और यहाँ है नीचे अपना सिसु भाई, क्या टेरेन लग रहा है यार, एक अलग ही लेवल का। देखिए फुल्ली स्नो और 3 से 4 फीट स्नो अभी है, और कल से दिखाया है कि कल भी 1.5 या 2 फीट स्नो पड़ेगी 2 दिन कंटिन्यूसली। हम लोग पिछली बार आए थे बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था, अभी देखिए क्या अलग ही माहौल हो रखा है। नाइस भाई, मजा आ गया देख के। हम लोग यहाँ पे लगभग 1 महीने पहले आए थे, और यहाँ पे बिल्कुल देखिए कुछ भी नहीं थी, एक बूंद स्नो नहीं थी, और अभी देखिए पूरे पहाड़ भर चुके, वो
पूरा रास्ता भर चुका है, जिसे बोलते ना अच्छी खासी वाली। भाई सही सीन हो रखा है, हम लोग आएंगे जैसे अपनी शूटिंग खत्म होगी उसके बाद फिर यहाँ पे आने वाले अपनी। तो मैं बता रहा था कि हम लोग यहाँ पे किस लिए आए, तो हमारी लोकेशन देखने आए हम लोग साउथ की मूवी की, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पहुंचे। तो सारी लोकेशन देखेंगे उसके बाद वापस जाएंगे और प्लान करेंगे कि कब आना है। तो अभी प्लान कर रहे हैं कि अपनी वेब सीरीज की शूटिंग खत्म हो जाए उसके बाद आए, बट देखते हैं इनसे बात करके क्या प्लान बनता है, बताएंगे आप लोगों को भी। ये देखिए भाई सामने का टेरेन कुछ इस तरह से, और भाई एक अलग ही माहौल बन चुका है यहाँ का। और फिलहाल भी मौसम खराब है, कल से दिखाया है कि अच्छी खासी स्नोफॉल होगी 1.5 से 2 फीट। तो चलिए भाई हम लोगों ने लोकेशन देख ली है सारी जगह, अच्छी खासी स्नो है। देखिए भाई अभी निकल रहे हैं हम लोग घर की तरफ वापस, घर मीन्स मतलब जो कि अपना शूट की लोकेशन है वहां पे। अभी 6 या 7 बजे से शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, हम लोग तो लेट पहुंचेंगे, ऑलरेडी 5 यहीं पे बज चुके हैं। तो हम लोग निकल रहे हैं, देखते हैं रात तक कितने बजे तक पहुंचते हैं, क्योंकि बीच में अच्छा खासा ट्रैफिक लग रहा है। जब हम लोग नीचे से आए अच्छा खासा ट्रैफिक लग रहा था, अभी भी देखते हैं कितना ट्रैफिक लगता है। तो भाई फाइनली पहुंच चुके हैं हम लोग मॉल रोड मनाली, शाम के 7:30 बज चुके, अपना शूट भी स्टार्ट हो गया है। अब जाएंगे सीधे हम लोग शूट में, थोड़ा सा काम है। भाई हम लोग पहुंच चुके हैं होटल के पास और यहाँ पे लगी अच्छी खासी डीजे पार्टी, ज्यादा हम लोग दिखा नहीं सकते कॉपीराइट लग जाएगा। तो चलिए होटल के अंदर चलते पार्टी करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो लीजिए भाई हम लोग पहुंच चुके हैं एक सुंदर से रूम के अंदर। तो देखिए भाई एक्टर के दोस्त होने का ये फायदा होता है, आप कहीं भी रह सकते हो। कैसे भाई? भाई ने मुझे कास्ट किया है इसमें, तो इसके नहीं नहीं मैंने नहीं किया, भाई खुद ही कास्ट करते हैं, मैं क्या करूँगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं रूम में, देखिए तो अच्छी सर्विस हो रही है क्योंकि भाई का रूम है। अभी रात के बज चुके 10:30 तो मैं यहाँ चुपचाप बैठूंगा क्योंकि भाई का रूम है, तो कोई टेंशन नहीं है। अभी डिनर करते मिलते हैं, उसके बाद हम कर चुके भाई करेंगे। भाई रात के 1:30 बज चुके और यहाँ पे देखिए हम लोग हीटर सेक रहे हैं। एक्टर साहब कैसे हो? बहुत ठंड है यहाँ पे, मुझे लगता है कि कम से कम -5 डिग्री यहाँ पे जो अपना टेम्परेचर अभी -5 नहीं -10 to 11 डिग्री है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो चुकी है, मौसम ऊपर से क्लियर है बिल्कुल। तो चलिए अभी हीटर सेक रहे हैं, मुझे लग रहा है 1 या 2 घंटे और लगने वाले, 3 या 4 बजे अपना पैकअप होगा, जैसे पैकअप होगा निकलते हैं बताते हैं सारा सीन। तो लीजिए भाई पहुंच चुके हैं रूम, रात के 4 बज चुके हैं, तो 3:30 बजे पैकअप होगा और 4 बजे हम लोग रूम पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ कैसे बंद हो रही है, तो फटाफट से सो जाते हैं, इस ब्लॉग का ये प्लान करते हैं, मिलते कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट पब्लिक।